चलिए इसके बाद अब बात करते हैं हम रॉबरी की। नेक्स्ट ऑफेंस है हमारा रॉबरी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। काफी कॉन्सेप्चुअल चीज है रॉबरी, अटेम्प्ट के साथ इसका डिफरेंस, कहाँ रॉबरी होगा, कहाँ अटेम्प्ट टू रॉबरी होगा, कहाँ थेफ्ट होगा, कहाँ अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा, इन सारी बातों को समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। अब देखिए रॉबरी की डेफिनेशन आप देखेंगे अगर तो 390 डिफाइन करता है और पहली लाइन में ही क्लियरली लिखा है इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन। रॉबरी कोई इंडिपेंडेंट अपने आप में बना हुआ ऑफेंस नहीं है, वो थेफ्ट का ही एग्रेवेटेड फॉर्म है या फिर वो एक्सटॉर्शन का ही एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। अब देखिए पहले पैराग्राफ में 90 के बेरेट में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ यहीं तक है ना, नीचे वो मैंने उसके एसेंशियल्स लिखे, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो चीज क्या है। सो बेरेट में जो लिखा हुआ है आपके वो फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ यहीं तक है जो मैंने मार्क किया। अब देखिए इस डेफिनेशन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि कब थेफ्ट रॉबरी बन जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा थेफ्ट में जो उसे रॉबरी का ऑफेंस बना देगा। सो यहां लिखा है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। देखिए ये जो पूरी definition है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या क्या चीजें और कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं रॉबरी में। सो सबसे पहले क्योंकि हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं कि थेफ्ट कब रॉबरी बनेगा। सो रॉबरी कहता है कि थेफ्ट के साथ क्या हो जाना चाहिए, थेफ्ट में क्या एड ऑन हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं वॉयलेंस एड ऑन हो जाएगा। जो यहां लिखा है टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट द ऑफेंडर, अब इस लाइन का अपना सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ा। फॉर दैट एंड, ये जो फॉर दैट एंड लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैं विद एन इलस्ट्रेशन आपको वो बात समझाऊंगा। सो फॉर दैट एंड वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, या तो आप कॉज करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं कॉज करने का, क्या एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। थेफ्ट करते समय या तो आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दीजिए या आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दीजिए या हर्ट कॉज कर दीजिए, देन दैट थेफ्ट विल बिकम रॉबरी। या फिर अगर आप एक्चुअली इन चीजों को कॉज नहीं कर रहे हैं तो क्या कर दीजिए, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर आप इसका फियर दे दीजिए। इंस्टेंट फियर होना चाहिए डेथ का, जैसे आपने किसी को बंदूक दिखाई और उसके पॉकेट से फोन निकाल लिया, बिना उसको पता चले चुपचाप आपने उसके एक व्यक्ति के पॉकेट से फोन निकाल लिया, दैट इज थेफ्ट। लेकिन आपने उसको बंदूक दिखाई सो दैट ही कैन नॉट रेजिस्ट और आप उसके पॉकेट से फोन निकाल लेते हैं, इट विल अमाउंट टू रॉबरी, क्योंकि थेफ्ट करते समय आपने फियर दिया है इंस्टेंट डेथ का। आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स रॉबरी। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन ये इतना सा नहीं है। अब ये जो 3 बार यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग, इस टेक्निकल चीज को आपको थोड़ा समझना चाहिए। ये थेफ्ट की अलग अलग 4 स्टेजेस हैं। इन 4 में से किसी भी स्टेज पे अगर आपने वॉयलेंस कॉज किया है या फियर दिया है इंस्टेंट, वॉयलेंस में किस चीज को बोल रहा हूं कलेक्टिवली, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को। अगर इन 4 में से किसी भी स्टेज पे आपने वॉयलेंस कॉज किया है तो आपने सिर्फ थेफ्ट नहीं किया, आपने इन दैट केस रॉबरी कमिट किया है। समझते हैं इस चीज को कैसे होगा। देखिए सबसे पहली जो स्टेज है इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, ये जो है पहली चीज, इसमें अगर आपने वॉयलेंस कॉज किया और थेफ्ट कमिट किया देन इट विल बी रॉबरी, इट वोंट बी जस्ट थेफ्ट, इट विल बी रॉबरी। समझिए इसको एक एग्जाम्पल से कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक घर है और इस घर में एक गार्ड रूम है बाहर, घर के बाहर एक गार्ड रूम है जिसमें एक गार्ड बैठा हुआ है। अब होता यह है कि दो चोर रात के समय इस घर में चोरी करने आते हैं। घर में कोई नहीं है, लॉक लगा हुआ है, बस बाहर एक गार्ड बैठा है। इनको घर के अंदर जाना है चोरी करने के लिए, लेकिन गार्ड बैठा है, तो जैसे ये घुसने की कोशिश करते हैं घर में, ये गार्ड उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है घर में घुसने से। ये उस गार्ड को मारते हैं, उसे रस्सी से बांध देते हैं और फिर ये घर के अंदर जाते हैं दोनों और वहां से सामान पूरा कलेक्ट करते हैं, चोरी जो करना था बैग में डालते हैं, करके भाग जाते हैं। ये रॉबरी है या थेफ्ट है? ये सिर्फ थेफ्ट है या रॉबरी हो गया? बताइए ये कौन सा ऑफेंस है, थेफ्ट या रॉबरी? बताइए। इट इज रॉबरी, ऑल राइट। क्यों रॉबरी? किस स्टेज पे यहां वायलेंस कॉज किया? देखो, उसको लेट्स से थप्पड़ मारा है तो हर्ट कॉज किया है, बांधा है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया है, ये सब आपने कॉज किया है। इन चारों में से किस स्टेज पे किया आपने थेफ्ट के? चारों में से किस स्टेज पे आपने ये काम किया? फर्स्ट स्टेज पे, इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। ये थेफ्ट कमिट करते समय नहीं किया, इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट का मतलब सो दैट दे कैन कमिट थेफ्ट, उसके लिए उन्होंने किया। सो पहली जो स्टेज है इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, उन्होंने यहां पे वॉयलेंस कॉज किया है। ठीक, अंबर फॉर दैट एंड, तो बेटा ये चारों के लिए लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है ना फॉर दैट एंड वॉलेंटरी कॉजेज, तो इन चारों स्टेजेस को पहले लिखने के बाद कॉमा के बाद वो वर्ड लिखा है, तो वो चारों पे एप्लीकेबल है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग मतलब इसको फैसिलिटेट करने के लिए हर्ट होना चाहिए। उसको भी मैं समझाऊंगा, उस पॉइंट को अलग से समझाऊंगा, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दे मुझे, उस बात को मैं अलग से समझाऊंगा। सो ये किस स्टेज पे वॉयलेंस कमिट हुआ है? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। ठीक, अब इसी एग्जांपल में अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं है, एक घर है जिसमें ताला भी नहीं लगा हुआ, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति इस घर के अंदर सो रहा है। दो लोग चोरी करने के इंटेंशन से इस घर में घुसते हैं। जिस समय पे वो सामान कलेक्ट कर रहे थे, उठा के अपने बैग में भर रहे थे ले जाने के लिए, उस समय जो व्यक्ति घर में सो रहा था वो उठ के उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक, ये उसे मारते हैं और उसे साइड में करके सामान लेके भाग जाते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉबरी, क्योंकि यहां भी वॉयलेंस किया उन्होंने। अब बताइए इन चारों में से किस स्टेज पे वॉयलेंस हुआ है? अभी जब वो सामान थेफ्ट का कलेक्ट कर रहे थे थेफ्ट करने के लिए, उस समय पे इन्होंने हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया है। तो किस स्टेज पे वॉयलेंस हुआ है इन चार में से? सेकेंड स्टेज पे, इन कमिटिंग थेफ्ट। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्लियरली, रॉबरी आप कभी समझ नहीं पाएंगे। थेफ्ट कब होता है? प्रॉपर्टी मूव कर दी अगर आपने, तब थेफ्ट होता है। अभी वो कलेक्ट कर रहे हैं, बैग में डाल रहे हैं, तो थेफ्ट कर ही रहे हैं, इन कमिटिंग थेफ्ट है ये। इस समय पे अगर ये कोई इस तरीके का वॉयलेंस करते हैं, दैट अमाउंट्स टू रॉबरी। तो पहले वाले में भी रॉबरी था, इसमें भी रॉबरी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी इलस्ट्रेशन में अपन ये करते हैं कि मान लो वो घर के अंदर गए। ठीक, जब वो सामान कलेक्ट कर रहे थे तब तो किसी ने नहीं देखा। मान लीजिए इस घर में वो एक व्यक्ति सो रहा है जो फैमिली मेंबर है, जब वो सामान बैग में भर रहे थे तब तो उन्हें किसी ने नहीं देखा। ठीक, वो बाहर निकल के आते हैं घर से बाहर, सेम गार्ड रूम है, इधर गार्ड बैठा है। जब वो दोनों चोर घर में घुस रहे थे तब ये गार्ड सो रहा था, उसने नहीं देखा। फैमिली मेंबर सो रहा है, उसने भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, वो सोता ही रह गया। ये सामान ले लिया है, घर के बाहर जैसे ही निकलते हैं ये जो गार्ड है उन्हें देख लेता है और ये गार्ड ऑब्स्ट्रक्ट रोकने की कोशिश करता है। ये उस गार्ड को मारते हैं और वहां से सामान लेके भाग जाते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉबरी। अब इसमें बताइए किस स्टेज पे वॉयलेंस कमिट हुआ है थेफ्ट की? इन चारों में से सामान उन्होंने कलेक्ट किया, तब तक उन्हें किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया घर में। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं, बाहर गार्ड खड़ा है, वो उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन ये उसको पीट देते हैं और सामान लेके भाग जाते हैं। यहां जो वायलेंस कॉज हुआ है वो इस थर्ड स्टेज पे हुआ है, इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। दे हैव ऑलरेडी कमिटेड थेफ्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। जब वो सामान घर से घर के बाहर मूव कर लिया है, उन्होंने ले आए हैं, थेफ्ट कमिट हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, थेफ्ट जब हमने पढ़ा था। मूव कर दिया है, इतना मूवमेंट है कि द रिस्पेक्टिव पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स इमीडिएट यूज। अगर वो इमीडिएट यूज से डिप्राइव हो गया है तो इसे मान लिया जाता है कि सफिशिएंट मूवमेंट हो गया फॉर द पर्पस ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का थेफ्ट ऑलरेडी हो गया है। नाउ अब जो इन्होंने वायलेंस कॉज किया वो क्यों किया? इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। जो प्रॉपर्टी थेफ्ट से ऑब्टेन करी थी उसको कैरी अवे करने के लिए वायलेंस कमिट किया है। सो इन्होंने तीसरी स्टेज पे वायलेंस कमिट किया, एंड दैट इज ऑल्सो रॉबरी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, यस और नो? समझ में आ रहा है? ऑल राइट। इसके बाद अब थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं, इस इलस्ट्रेशन को। मान लीजिए सामान वामान कलेक्ट करके वो प्रॉपरली घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं, गार्ड उन्हें देखता है। सेम सिनेरियो होता है, गार्ड उन्हें देखता है। गार्ड, क्योंकि वो जब सामान चोरी करने गए थे चाकू वाकू था बस उनके पास, जैसे ये बाहर निकलते हैं सामान के साथ, ये गार्ड उन्हें रोकता है। गार्ड के पास पिस्टल है, वो बंदूक दिखाता है। उस डर से ये सामान यहीं पे छोड़ देते हैं, घर के बाहर ही वो सामान छोड़ते हैं और भाग जाते हैं वहां से। ठीक, अब बताइए रॉबरी है या नहीं? सामान वो अपने साथ ले जा नहीं पाए, यहीं गेट पे, एग्जिट गेट पे घर के सामान, क्योंकि गार्ड ने उन्हें पिस्टल दिखा दी। पहले उन्होंने गार्ड को मारा क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जब वो ऐसे रुक नहीं रहे थे, उन दोनों ने जो चोरी करने आए थे गार्ड को पीट दिया, तो गार्ड ने अपनी बंदूक निकाली, बंदूक दिखाई उन्हें, वो भाग लिए, सामान वहीं छोड़ के भाग गए। इज इट रॉबरी? सो यू आर सेइंग यस। यहां वायलेंस किस स्टेज पे कमिट हुआ? इस अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, बिकॉज दे कुड नॉट कैरी अवे दी प्रॉपर्टी बट दे अटेम्प्टेड टू कैरी अवे, एंड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे दे हैव कॉज्ड वायलेंस। So that also amounts to robbery. Robbery में ये जरूरी नहीं है कि theft से obtained property आप लेके भागेंगी। I hope you're getting this. इसीलिए ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अब मैं ये सारा हटा देता हूं so that you can understand. अब आप समझिए कि क्यों इस तरीके से फ्रेम करा गया है इस रॉबरी की डेफिनेशन को। इतने लेवल की टेक्निकलिटीज हैं, इन टेक्निकलिटीज पे आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही बस जनरल मीनिंग समझ लेते हैं। इसीलिए आपसे वो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां प्रॉब्लम बस इसलिए होती है क्योंकि ये क्लैरिटी आपके पास नहीं है। तो अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस लेवल की क्लैरिटी आप नहीं ले रहे हैं, तो आप मुझे नहीं लगता बहुत सही प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू रीड द बैरेक्ट वेरी केयरफुली इन सच अ मैनर, सच अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तभी आपके पास कंप्लीट क्लैरिटी होगी, अदरवाइज वो क्लैरिटी आप मिस कर देंगे। तो इन चारों में से किसी भी स्टेज पे अगर वायलेंस कॉज हुआ है थेफ्ट की, इट अमाउंट्स टू रॉबरी। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इसमें और भी चीजें हैं, आई मूव ऑन टू दैट। एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए दैट दिस इज क्लियर। अभी तक जो समझाया मैंने, ये चार स्टेज आपको समझ में आ गई हैं। इज दैट क्लियर? आदिवा, इस पे आ रहा हूं, अटेम्प्ट टू रॉबरी पे बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, मैं वही आगे समझाना चाह रहा हूं। पहले ये बताइए ये चारों चीजें आपके समझ में आई या नहीं? चलिए, ऑल राइट। अब आदिवा का एक डाउट है कि ये अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे में अटेम्प्ट टू रॉबरी क्यों नहीं है? तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो अटेम्प्टिंग लिखा हुआ है ये रॉबरी की डेफिनेशन में ही लिखा है। वो एक्ट रॉबरी तब होगा जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, थेफ्ट से ऑब्टेन्ड प्रॉपर्टी ले जाने का अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस समय भी आपने वायलेंस कॉज किया, इन दैट केस आल्सो यू आर गिल्टी ऑफ रॉबरी ओनली। 390 डिफाइन किसको कर रहा है? रॉबरी को डिफाइन कर रहा है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है ये अटेम्प्ट, अटेम्प्ट्स टू कॉज, दैट वाज वन, एंड द अदर इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी। ये जो अटेम्प्ट वर्ड यूज किया है किस चीज को डिफाइन करने के लिए किया है? रॉबरी को। देखो एक बात समझना कि जब प्रॉपर्टी आप या तो थेफ्ट थेफ्ट तो पहले ही हो गया जब आपने प्रॉपर्टी मूव करी, अब उसको या तो ले जा पाओगे या तो नहीं ले जा पाओगे। अगर ले जाते हो सक्सेसफुली वॉयलेंस करके तो भी रॉबरी है। अगर आप वॉयलेंस करते हैं ले जाने के लिए लेकिन सक्सेसफुली ले जा नहीं पाते, वो एक्ट भी रॉबरी ही है। इसीलिए अटेम्प्ट नहीं होगा। अटेम्प्ट कब होगा? जहां थेफ्ट नहीं होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, रॉबरी के लिए थेफ्ट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। थेफ्ट पहले कंप्लीट होगा तभी रॉबरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थेफ्ट जब कंप्लीट हो जाएगा और साथ में क्या होना चाहिए, तो वॉयलेंस होना चाहिए, जिसकी अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं। इन चारों में से किसी भी स्टेज पे हो, लेकिन थेफ्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं आपको अटेम्प्ट के एग्जाम्पल कुछ दे देता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल लेना जो मैंने आपको पहले दिया था कि घर में घुसने की कोशिश करते हैं दो लोग, बाहर गार्ड उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब मान लो चोरी करने के इंटेंशन से वो घर में घुसना चाहते थे, गार्ड ने यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट किया और वो घर में घुस नहीं पाए, उसने बंदूक दिखाई, वो भाग गए। इज इट अटेम्प्ट टू थेफ्ट और अटेम्प्ट टू रॉबरी? बताइए, इज इट अटेम्प्ट टू थेफ्ट और इज इट अटेम्प्ट टू रॉबरी? घर में थेफ्ट करने के इंटेंशन से घुसना था उन्हें, गार्ड ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, बंदूक दिखाई, वो यहीं से भाग गए, चोरी वोरी कर ही नहीं पाए। तो देखिए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी है, अटेम्प्ट टू रॉबरी भी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन बेटर अप्रोच इज टू मार्क अटेम्प्ट टू रॉबरी थोड़ा ग्रेव, क्योंकि आपने वॉयलेंस तो किया, आप यहाँ आए, गार्ड के साथ आपकी लड़ाई, मारा वारा है गार्ड को उन्होंने, तो अगर उन्होंने गार्ड को मारा है, वॉयलेंस तो कॉज कर दिया पहली स्टेज में ही। जो रॉबरी में लिखा है कि थेफ्ट की इन चारों में से किसी भी स्टेज में आप वॉयलेंस कॉज कर दीजिए। ये जो दो लोग चोरी करने आए थे घर में, उन्होंने गार्ड के साथ वॉयलेंस किया, लेकिन अल्टीमेटली वो चोरी कर नहीं पाए। और रॉबरी के लिए क्या जरूरी है? थेफ्ट मस्ट बी कंप्लीट। थेफ्ट यहां कंप्लीट नहीं हुआ, सो इट विल बी अटेम्प्ट टू रॉबरी। अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी सही है क्योंकि थेफ्ट भी नहीं कर पाए, लेकिन रॉबरी इज अ बेटर ऑप्शन अटेम्प्ट टू रॉबरी, क्योंकि यहां वॉयलेंस हो गया, यहां वॉयलेंस हो गया है, इसीलिए बेटर आंसर इज अटेम्प्ट टू रॉबरी। ठीक, अब मुझे लगता है दीक्षा को और तरुण को ये डाउट है कि ये रॉबरी हो गया। भाई साहब, ये रॉबरी नहीं होगा। उसका कारण समझिए, इधर क्लियरली क्या लिखा है, इस बात से आप हेड नोट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है? व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। When theft is robbery का क्या मतलब होता है, या इसको पढ़िए theft is robbery। ये जो वर्ड यूज करे गए हैं बैरेक्ट में, theft is robbery if in order to the committee, इसका मतलब theft तो होना चाहिए, theft ही robbery होगा। theft robbery होगा तो उसके लिए पहले बेटा theft तो होने दो, तब तो robbery होगा। यहां तो theft हुई नहीं, हो पाया, गार्ड के साथ violence किया, लेकिन theft कर पाए क्या? theft नहीं कर पाए। that's why it is attempt to robbery only, क्योंकि robbery के लिए थेफ्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऑल राइट। अच्छा तरुण, कुछ और था डाउट? ऑल राइट, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो एक बात जरूर समझिए, रॉबरी के लिए थेफ्ट जरूरी है, बहुत क्लियरली लिखा है थेफ्ट इज रॉबरी, इसीलिए थेफ्ट तो जरूरी है, तभी रॉबरी हो पाएगी। ठीक, यहां पे वो थेफ्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इन चारों में से किसी स्टेज में वॉयलेंस कॉज कर दिया है, तो नाउ इट विल बी अटेम्प्ट टू रॉबरी रादर देन जस्ट अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अगर मान लीजिए घर में घुसते, गार्ड वार्ड था नहीं, घर में घुस गए, सामान जब कलेक्ट कर रहे थे चोरी करने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर का एक मेंबर उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये उसको मारते हैं, लेकिन वो इन्हें रोक लेता है, सामान कलेक्ट भी नहीं करने देता, थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करने ही नहीं देता उन्हें, और वहां से भगा देता है, लेकिन इन्होंने भी वॉयलेंस कॉज किया। इन दैट केस ऑल्सो दे आर गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू रॉबरी। I hope you're getting this. In that case also it is attempt to robbery. लेकिन अगर वो सक्सेसफुली सामान बाहर ले आए, यहां सामान लाए और इस बंदे ने रोका, गार्ड ने, जब गार्ड ने उन्हें रोका और ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उन्हें सामान छोड़ के भागना पड़ा, दैट एक्ट इज रॉबरी, दैट इज नॉट अटेम्प्ट टू रॉबरी। क्योंकि जब यहां पे उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया गया और रोका गया, सामान यहां छोड़ के भगे, उसके पहले ही थेफ्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्योंकि यहां थेफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, दे हैव मूव्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द हाउस, तो थेफ्ट ऑलरेडी कमिट हो गया है, इसीलिए ये रॉबरी, और इसीलिए ये चौथा पॉइंट लिखा है, इसीलिए लिखा है अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, और ये चौथा पॉइंट मैंने इसीलिए यहां लिखा है। इस स्टेज पे वायलेंस हुआ लेकिन थेफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, सो दैट विल बी रॉबरी। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए इफ इट इज क्लियर to everyone। Yes or no? Clear? All right, all right, all right। अब जरा एक इलस्ट्रेशन में आपको कुछ और देता हूं रॉबरी से कनेक्टेड, जरा बताइए इसमें रॉबरी होगा या नहीं होगा। मान लीजिए यहां पे जब चोरी करी इन दोनों चोर ने, चोरी करके जब वो बाहर निकल रहे थे गार्ड ने देखा, इन दोनों ने, ए और बी आए थे चोरी करने, इन दोनों ने कोई वायलेंस नहीं किया, जैसे ही गार्ड ने देखा, गार्ड ने इन्हें बंदूक दिखाई, ये सारा सामान यहीं छोड़ते हैं, चुपके से घुसे थे घर में, सामान पूरा कलेक्ट कर लिया था, बाहर जैसे ही आए, अब इस गार्ड ने देखा, उसने बंदूक दिखाई, ये सारा सामान वहीं छोड़ के भागने लगते हैं। जब ये भागने लगते हैं सामान वहीं छोड़ के, उसके बाद ये गार्ड पीछा करता है थोड़ी देर, उसके बाद इसके साइड में एक घर था वहां का भी गार्ड, ऐसे करके दो चार लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जब वो सामान तो यहीं छोड़ दिया लेकिन उनको पकड़ने के लिए गार्ड्स दौड़े, वो भी भाग रहे हैं। अब वहां जब भाग रहे हैं वो पत्थर उठा के इनमें से एक गार्ड को मारते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। इज इट रॉबरी और नॉट? इज इट रॉबरी और नॉट? बताइए। सो कार्तिक सेज इट इज रॉबरी बेटा, इसमें पल्लवी ऑल्सो सेज इट इज रॉबरी। ऑलराइट, ऑलराइट। सुरभि ऑल्सो सेज, ऑलराइट, ऑल राइट। आपके आंसर्स काफी जस्टिफाइड कर रहे हैं इस क्लास को। दीक्षा कह रही है नहीं है, जो लोग कह रहे हैं इसमें रॉबरी है। तरुण बेटा थेफ्ट हो गया मेरे भाई, घर से बाहर तक सामान ले आए, थेफ्ट तो वहीं कमिट हो गया ना, सामान यहाँ छोड़ के भागे हैं, थेफ्ट तो वहीं कमिट हो गया ना जहाँ घर से बाहर सामान ले आए, थेफ्ट तो ऑलरेडी हो गया बेटा, थेफ्ट तो हो गया है। यहां सामान छोड़ के भागे हैं जब गार्ड ने रोका उन्हें एग्जिट गेट के बाहर, सामान तो ले आए बेटा, थेफ्ट तो हो गया ऑलरेडी। चलिए बाकी लोग जो कह रहे हैं कि इसमें रॉबरी है, मुझे ये बताइए इन चारों में से किस स्टेज पे वायलेंस हुआ एंड फॉर दैट एंड हुआ, यानी फॉर दैट एंड मतलब इसमें से कुछ भी अकम्प्लिश करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए होना चाहिए, ये मतलब है फॉर दैट एंड का। फॉर दैट एंड का मतलब क्या है? इनमें से चारों में से कोई भी एक चीज फैसिलिटेट करने के लिए, फॉर दैट एंड का ये मतलब होता है। तो इन चारों स्टेज में से किसी स्टेज पे फॉर दैट एंड वायलेंस किया गया क्या? प्रॉपर्टी तो उन्होंने यहीं छोड़ दी थी, they were not carrying away property or they were not attempting to carry away property when they did violence। सामान तो इन्होंने बिना किसी के बोले वायलेंस किए छोड़ दिया था, गार्ड ने पिस्टल दिखाई, ये बेचारे वैसे ही सामान छोड़ के भागे। तो क्या इस केस में आप कहेंगे इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट दे हैव कॉज्ड वायलेंस, या फिर आप कहेंगे कि अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी दे हैव कॉज्ड वायलेंस? नो, यहां पे उन्होंने वायलेंस कॉज नहीं किया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, भागने लगे, जब ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे गए तब उन्होंने वायलेंस कॉज किया। तो क्या थेफ्ट की इन चारों में से किसी स्टेज पे वायलेंस कॉज हुआ है फॉर दैट एंड टू फैसिलिटेट एनी ऑफ दीज थिंग्स? क्या यहां वायलेंस कॉज हुआ है? द आंसर इज नो। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रॉबरी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रॉबरी। ठीक, ये थेफ्ट होगा क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर ले आए, थेफ्ट तो उन्होंने कमिट किया, और इधर पे जो उन्होंने हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया वो उसके लिए लायबल होंगे। तो थेफ्ट है प्लस ग्रीवियस हर्ट भी है, बट रॉबरी ये नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि इन चारों में से किसी भी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए वो वायलेंस नहीं किया गया, और फॉर दैट एंड का मतलब टू फैसिलिटेट एनी ऑफ दीज, वो नहीं किया गया है इधर। आई होप दिस इज क्लियर। रॉबरी नहीं है इस केस में, अंडरस्टूड। चलिए अब एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। ऐसा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए इस तरीके की फैक्चुअल सिचुएशंस आती हैं, और यहाँ यही गड़बड़ आप करते हैं जो आप अभी चैट बॉक्स में कर रहे हैं, क्योंकि आप उस परसेप्शन से उस एस्पेक्ट से कभी चीजों को देख ही नहीं रहे हैं। आप ऑफेंसेस को उतने डिटेल में जाके देख ही नहीं रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस। एंड इफ यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी इन दिस मैनर, तो आप पूरा जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। ठीक, चलिए अब आते हैं इस पे अपन। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं। मान लीजिए दो लोग घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं विद पिस्टल एंड ऑल। एक व्यक्ति उस घर में सो रहा है। ध्यान से सुनना फैक्ट्स। दो लोग पिस्टल लेके घर में चोरी करने जाते हैं रात के समय। एक व्यक्ति उस घर में सो रहा है। इन्होंने सामान वामान सब बैग में डाल लिया है। घर से जब ये बाहर निकल रहे हैं, लेट्स वही वाला एग्जाम्पल कि गार्ड यहाँ बैठा है, घर से बाहर निकल रहे हैं। अब इन्होंने देखा गार्ड के रूम में एक व्यक्ति ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। ये गार्ड जो है ये ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। जैसे ही ये लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, गार्ड ब्लैंकेट हटा के उसे देखता है, एक व्यक्ति को जो दोनों चोर थे उनमें से एक को देखता है। वो देखता है कि उनके हाथ में सामान है, प्रॉपर्टी, और हाथ में उसको पिस्टल दिख जाती है। एक ऑफेंडर के हाथ में पिस्टल देखता है, ऑफेंडर भी इसकी तरफ देखता है। उसने कुछ डराया वराया नहीं, उसने पिस्टल नहीं देखा, बस हाथ में उसके रखी हुई थी। उस ऑफेंडर ने गार्ड को देखा, गार्ड ने ऑफेंडर को देखा, गार्ड चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़ के दोबारा सो जाता है। ठीक, अब ये जो ऑफेंडर था वो अपने साथ वाले को बताता है, ए जो था वो बी को बताता है कि भाई उसने देखा है लेकिन चुपचाप सो गया। तो ए बी से कहता है ऐसा कर इसको मार दे, क्योंकि इसने अब देख लिया है, आगे कभी प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए बेटर है कि इसको निपटा के चलो। तो बी जाके उसको गोली मार देता है और ये अपना सामान लेके चले जाते हैं। इज इट रॉबरी? इज इट रॉबरी? Is it robbery? Yes or no? झील का कहना है नहीं, मासूहफ का कहना है नहीं, भाग्यश्री का कहना है yes, सुरभि also says yes, अदीबा says yes, पल्लवी झील says no, दीप्ति says yes, कार्तिक also says yes, all right. Alright, so there is a mixed opinion. Yes, no, दोनों मिल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं रॉबरी है, वो मुझे ये बताएं कि इन चारों में से किस स्टेज पे वॉयलेंस हुआ है एंड क्या फॉर दैट एंड हुआ है। इन चारों में से किसी भी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए वॉयलेंस किया गया क्या? गार्ड की डेथ कॉज करी गई क्या? इन चारों में से कोई चीज फैसिलिटेट करने के लिए ये वॉयलेंस किया गया है क्या? Please tell me that. So the answer is no. वो इसमें से किसी चीज को facilitate करने के लिए नहीं किया गया. Hence the offence is theft plus murder. अदीबा बेटा attempt property obtained by theft attempt करने के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि property वो ले गए हैं already. Attempt वहां, ये वाला वहां आता है जहां property ले जा ना पाए, कोशिश करें वायलेंस करें उस प्रॉपर्टी को ले जाने में लेकिन ले जा ना पाए। यहां तो वो प्रॉपर्टी ले गए हैं। तीसरे वाले में आप शायद समझ रहे हैं इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। तो मैं आपको बता दूं वो तो एनीवेज प्रॉपर्टी ले जा रहे थे, गार्ड तो चुपचाप सो गया। यहां फॉर दैट एंड उन्होंने वायलेंस कॉज नहीं किया, डेथ कॉज नहीं करी है, ताकि वो प्रॉपर्टी ले जा पाए, इसीलिए उन्होंने डेथ कॉज करी है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रॉबरी। प्लीज अंडरस्टैंड। एक प्रॉब्लम ये भी है आपके साथ कि आप कोई चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है हर जगह वही होगा, कोई और ऑफेंस हो सकता है, बट वो तभी होगा जब उसके प्रॉपर एसेंशियल फुलफिल होंगे। फैक्ट तरुण एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, द फैक्ट्स वर कि दो चोर चोरी करने घुसते हैं, चोरी करके बाहर निकलते हैं, सामान ले आते हैं घर से। जब वो घर के बाहर निकलते हैं गार्ड सो रहा है, ऑफेंडर जो है वो गार्ड की तरफ देखता है, इसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, इसके हाथ में सामान है, एक हाथ में पिस्टल है, इसने कुछ डराया धमकाया नहीं। गार्ड खुद से अपना ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था, वो ब्लैंकेट हटा के एक बार ऑफेंडर को देखता है, उसे आवाज आती है कुछ, तो वो जैसे ही ऑफेंडर के हाथ में पिस्टल देखता है दोबारा कंबल ओढ़ के चुपचाप सो जाता है। अब बी ये बात ए को बताता है, जो एक ऑफेंडर है वो अपने दूसरे ऑफेंडर को बताता है कि यार वो गार्ड ने देखा लेकिन दोबारा सो गया। तो जो दूसरा ऑफेंडर है वो कहता है एक काम करे इसको मार दे, इसको अब जिंदा मत छोड़ क्योंकि इसने देखा, बाद में कुछ समस्या ना करेगी। और इस इंटेंशन से ये उसको आता है बाद में, उसके बाद ये गोली मार देता है उस गार्ड को। तो अब आप ये बताइए क्या प्रॉपर्टी कैरी अवे करने के लिए मारी गई है गोली? सो द आंसर इज नो, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रॉबरी, दिस इज मेयरली थेफ्ट एंड मर्डर। मर्डर तो किया उसने, थेफ्ट किया है और मर्डर किया है, रॉबरी नहीं है। रॉबरी तब होता है जब इन चारों में से किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए वायलेंस किया जाए। आई होप दिस इज क्लियर, yes or no? All right, understood। तो बेटा अभी तक जिस नजर से आप इन ऑफेंसेस को पढ़ रहे थे that wasn't sufficient, क्योंकि मेरे ख्याल आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन के या तो फाइनल ईयर्स में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपने मेरे ख्याल से अपने सेमेस्टर में या कॉलेज में ये पढ़ ही लिए होंगे ऑफेंस। बट आई होप यू गॉट दी प्रॉब्लम कि कहाँ समस्या हो जाती है, क्यों उस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। अब मैंने कल लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए या फिर इस तरीके से उन ऑफेंसेस को पढ़ लीजिए। अब कुछ भी बन जाए, कोई भी नया फैक्ट आ जाए आपके सामने, यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ऑल राइट, अब देखते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अभी हमने पढ़ा थेफ्ट कब रॉबरी बनेगा, सेकंड पैराग्राफ 390 का कहता है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, बिकॉज रॉबरी इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, उसी का एग्रावेटेड वर्जन है, उसी का बड़ा हुआ फॉर्म है। सो देखिए व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन में ऐसा क्या और ऐड हो जाएगा विच विल मेक इट रॉबरी। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence, this is very important, is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of। अब fear देखिए, जब plain extortion हम पढ़ रहे थे वहां fear of injury था, यहाँ fear कैसा हो गया है, in fear of instant death, instant hurt और instant wrongful restraint। इस चीज का fear होना चाहिए सिर्फ। इंजरी का फियर एक्सटॉर्शन के लिए था, एक्सटॉर्शन जब रॉबरी बनेगा तो उसमें इन तीनों में से कोई एक फियर होना चाहिए, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ होना चाहिए या फिर इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन और टू सम अदर एंड बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। दिस इज इंपॉर्टेंट, देन एंड देयर। अगर आप बैरक लेके बैठे हैं तो ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए, यहीं से एसेंशियल्स निकल के आते हैं। Then and there to deliver up the thing extorted। So normal जो extortion आपने पढ़ा उसमें कुछ और चीजें आप ऐड कर देंगे तो it will become robbery। एक बार explanation देख लेते हैं, फिर उन essentials को अलग से list करके मैं आपको बताता हूँ। Explanation देखिए, the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint। जरूरी नहीं है कि offender physically present हो, He must be sufficiently near कि वो इस instant death, instant hurt या instant wrongful restraint का fear दे पाए। इतना sufficiently near होना चाहिए, भले physically present ना हो। Example से इस बात को मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसके essentials देखिए कि extortion कब robbery बनता है। So here are the essentials। देखिए extortion तो हमने पढ़ा, extortion में जहां presence of offender add हो जाए, offender presence हो जाए spot पे, plus फियर कैसा हो जाए, एक्सटॉर्शन में क्या फियर था, इंजरी का, यहां फियर कैसा हो गया, फियर ऑफ इंस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंट होना चाहिए, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और wrongful restraint जहां हो जाएगा, नाउ इट विल बिकम रॉबरी। सारे एसेंशियल फुलफिल होने चाहिए, एक्सटॉर्शन में ये तीन चीज ऐड होनी चाहिए तब वो रॉबरी होगा, अगर इनमें से कुछ भी एलिमेंट लैकिंग है तब वो रॉबरी नहीं माना जाएगा। इसके साथ इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो जो लिखा था ना देन एंड देयर टू डिलीवर दी प्रॉपर्टी, देन एंड देयर का मतलब वहीं इमीडिएट। देखिए जब एक गैंगस्टर एक पर्सन को कॉल करके कहता है कि अगर आप मुझे 50,000 नहीं दोगे तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा, दिस इज एक्सटॉर्शन। उसमें ऑफेंडर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ नहीं है, इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं है, प्लस इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर ये गैंगस्टर उस व्यक्ति के घर पहुंच जाए, घर में खड़े करके उसके बच्चे को पिस्टल दिखाए और सामने ये बोले कि अभी मेरे को 50,000 रुपए चाहिए नहीं तो इसको गोली मार दूंगा, नाउ दिस एक्सटॉर्शन हैज बिकम रॉबरी। अब वो सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं रहा और क्या बन गया, रॉबरी, क्योंकि उसमें ये तीन एसेंशियल्स ऐड हो गए, ऑफेंडर प्रेजेंट है, इंस्टेंट डेथ का फियर है, प्लस इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। एक एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा इस प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर को लेके। अब जरूरी नहीं है कि घर पे उस व्यक्ति के जिसको धमकी दी गई है वो खुद जाए, मान लीजिए उसका कोई आदमी वहां पहुंच जाता है बंदूक लेके और वो फोन पे उस व्यक्ति से कह रहा है गैंगस्टर कि अभी इस मेरे आदमी को 50,000 रुपए दे दो नहीं तो ये गोली मार देगा तुम्हारे बच्चे को, इन दैट केस ऑल्सो इट इज रॉबरी। जो बंदा फियर दे रहा है वो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट ही इज इन अ पोजिशन टू गिव fear of instant death, so he'll be considered to be physically present, ये explanation में लिखा था। I hope this is clear। Essentials clear है तो अपन illustrations की तरफ चलते हैं। Yes or no? Just give me a confirmation. Yes, no। Extortion में तीन चीज ऐड होनी है। All right, चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशंस जो बेरेट में दिए हुए, कुछ में मॉडिफाई करके अपने भी आपको बताऊंगा। तो पहले बेरेट के इलस्ट्रेशंस को एक बार देख लेते हैं। ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। अच्छा, इसमें मैंने लिमिटेड लिए ए थेफ्ट के बारे में बता रहा था, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, तो उसके लिए मैंने आपको सफिशिएंट इलस्ट्रेशन दे दिए इसलिए उसको हटा दिया। मैं एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होता है वो वाले लिए हैं। A meets Z on the high road, shows a pistol and demands Z's purse. Z in consequence surrenders his purse. Here A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery. तो देखिए यहाँ extortion से थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? पैसा दिया तो उसने, इंजरी का fear है, लेकिन वो इंजरी कैसी है? Instant death, पिस्टल दिखाई है और वो वहां मौजूद है और तुरंत पर्स ले लिया, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इस इलस्ट्रेशन में एक्सटॉर्शन के साथ वो तीनों एलिमेंट हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। एक्सटॉर्शन तो है ही, साथ में ऑफेंडर प्रेजेंट है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है और इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तुरंत पर्स मांग लिया पिस्टल दिखा के। दैट्स व्हाई नाउ इट इज नॉट जस्ट एक्सटॉर्शन, नाउ द ऑफेंस इज रॉबरी। सेकेंड देखिए, A meets Z and Z's child on the high road. A takes the child and threatens to fling it down a precipice unless Z delivers his purse. Z in consequence delivers his purse. Here A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery. अब एक पर्सन है और उसका बच्चा, ये उसके बच्चे को एक ऐसे पॉइंट पे, रॉक के या दीवार के एक ऐसे पॉइंट पे जहां से नीचे गिर सकता है, इस तरीके से उसको लटकाता है और इससे पैसे मांगता है। ये तुरंत अपने पैसे दे देता है। यहाँ फियर है उसको इंजरी का, हर्ट का, और उस फियर के बदले में ऑफेंडर भी प्रेजेंस है, फियर है, इंस्टेंट फियर है, प्लस इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। सो दैट इज नॉट जस्ट एक्सटॉर्शन, दैट इज नाउ रॉबरी। तीसरा वाला देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक इलस्ट्रेशन और देने वाला हूं। A obtains property from Z by saying योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग। इसको ध्यान से समझना इस तीसरे इलस्ट्रेशन को। ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 rupees। This is extortion and punishable as such, but it is not robbery unless Z is put in fear of instant death of his child। एक गैंगस्टर एक व्यक्ति को फोन करके धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा हमारी गैंग के पास है और तुम हमें अगर 10,000 रुपए नहीं दोगे तो हम उसको मार देंगे। अब यहां देखिए, प्रेजेंस तो है, प्रेजेंस कहां से डराइव कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन से। बिकॉज उसकी गैंग के पास बच्चा है, मतलब ही इज इन अ पोजीशन टू कॉज इंस्टेंट डेथ, तो प्रेजेंस वाला एलिमेंट तो कंप्लीट है। लेकिन क्या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है? इंस्टेंट डेथ नहीं है, मार देंगे, अभी मारेंगे ऐसा नहीं है, तुरंत मार देंगे ऐसा नहीं है, इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं है। दूसरी चीज जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, वही चीज यहाँ जेड इज पुट इन फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। जब तक ये नहीं है तब तक रॉबरी नहीं है। साथ में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए नहीं दोगे तो मार देंगे, तुरंत नहीं ले रहे हैं 10,000, देना है, देयर में बी सम टाइम गैप। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटॉर्शन ओनली। दो एक एलिमेंट कंप्लीट हो सकता है प्रेजेंस वाला इधर, बट स्टिल इट इज नॉट रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट, सारे एसेंशियल फुलफिल इधर नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट वोंट बी रॉबरी, इट इज एक्सटॉर्शन ओनली। अब अगर आपके ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया है तो मैं आपको एक दूसरा इलस्ट्रेशन देता हूं, उसमें आप जरा मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑफेंस है, एक्सटॉर्शन है या फिर रॉबरी है। मान लीजिए एक गैंगस्टर है जी, जो कि बैठा हुआ है मुंबई में। ये कॉल करता है एक व्यक्ति को हु इज इन दिल्ली, डी इज इन दिल्ली, उसे कॉल करता है और कॉल करने के पहले उसे एक व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता है। उस वीडियो में डी का जो चाइल्ड है, मान लीजिए वो स्कूल गया है अपने, ठीक है, स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चा खेल रहा है, प्लेग्राउंड के बाहर एक आदमी खड़ा है, एक स्नाइपर खड़ा है अपनी बंदूक एम करे हुए उस बच्चे की तरफ। ये चीज जो गैंगस्टर है जो कि मुंबई में है, वो दिल्ली में बैठे व्यक्ति को दिखाता है और उससे बोलता है, उसको अपना अकाउंट नंबर देता है जी, डी को, और बोलता है अगर तुमने अभी 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए तो मेरा ये आदमी तुम्हारे बच्चे को गोली मार देगा। अगर तुमने, अकाउंट नंबर देता है, कहता है अगर 5 लाख अभी ट्रांसफर नहीं किए तो ये जो स्नाइपर तुम्हारे बच्चे के स्कूल के बाहर खड़ा है उसके सामने तुम्हारा बच्चा, उसको गोली मार देंगे। इज इट रॉबरी और जस्ट एक्सटॉर्शन? बताइए, इज इट रॉबरी और एक्सटॉर्शन? All right. So Deeksha says robbery. Pallavi says robbery. Robbery. Yes, this is robbery. क्या कैसे हो गया robbery? सारे essential fulfill हो गए भाई। Extortion के साथ offender presence हो गया, क्योंकि instant fear का, instant death का threat देने की हालत में, fear देने की हालत में उसका sniper बाहर खड़ा है। पहला element complete। दूसरा fear of instant death है, बिल्कुल है। तीसरा इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यस, तुरंत उसने अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करवा लिए, तुरंत अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करा लीजिए। सो दैट इज रॉबरी नॉट जस्ट एक्सटॉर्शन। सारे एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं। द ऑफेंडर इज प्रेजेंट बिकॉज ही इज इन अ पोजीशन टू गिव इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ। फियर जो दिया गया वो इंस्टेंट डेथ का दिया गया कि स्नाइपर स्कूल के बाहर खड़ा, अभी उड़ा देगा, सो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ भी है और साथ में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी है। तो सारे एलिमेंट यहाँ फुलफिल हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। ये ऑफेंडर प्रेजेंट है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक, जो पैसे ट्रांसफर करवा लिए, दैट इज इमीडिएट डिलीवरी और थेफ्ट। सो आई होप रॉबरी इज क्लियर। व्हेन theft will become robbery, when extortion becomes robbery, दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई हैं, और इस तरीके के जितने भी इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल बनते हैं आई होप यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम। ठीक, इसके बाद आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डेकॉइटी। बहुत सिंपल सा सी डेफिनेशन है डेकॉइटी की, रॉबरी ही डेकॉइटी होती है, बस नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं इधर। तो डेकॉइटी की डेफिनेशन देखिए जो 391 में दी हुई है, When five or more persons, this is important, five or more person conjointly commit or attempt to commit a robbery, चाहे वो रॉबरी कमिट करें या सिर्फ अटेम्प्ट करें तो भी डेकॉइटी के लिए लायबल हो जाएंगे, अगर टोटल अटेम्प्ट करने वालों की संख्या कितनी है, 5 या 5 से ज्यादा, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन कॉन्जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी and persons present and aiding, and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity। हर बंदा किसके लिए liable है, dacoity के लिए, if the total number is 5 or more, 5+ लोग हैं, ये robbery commit करें या attempt to robbery करें, they are liable for dacoity। भले ही रॉबरी पूरी ना कर पाए, अटेम्प्ट किया है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोग प्रेजेंट एंड एडिंग थे तो वो ऑफेंस क्या हो जाता है, रॉबरी, क्योंकि जब ज्यादा संख्या में लोग प्रेजेंट होते हैं 5 या 5 से ज्यादा तो सामने वाला वैसे ही रेजिस्ट नहीं करता, ग्रेविटी बढ़ जाती है ऑफेंस की, इसीलिए इट इज नॉट जस्ट रॉबरी, इट इज डेकॉइटी नाउ। अब एक सवाल यहां मेरा आपसे है जिसपे आपको दिमाग लगाना है। मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस किए इन पिछली 2 क्लासेस में, कल जो हमने किया और आज जो हमने डिस्कशन किया, इसमें कई सारे इलस्ट्रेशंस हमने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खुद से थोड़ा समझना चाहिए या समझना पड़ेगा, मुझे उसका आंसर आप बताएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो देखिए डेकॉइटी में यहाँ लिखा है व्हेन 5 और मोर पर्सन कॉन्जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, और वेयर the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery, and this is important, persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more। तो देखिए मान लीजिए 5 लोगों ने एक बैंक लूटने का प्लान बनाया और एग्जीक्यूशन उसका कुछ ऐसे होना था कि 5 में से एक जो व्यक्ति वो अपने घर पे रुकेगा, वो वहां से सिस्टम पे बैठ के जिस समय बाकी के 4 बैंक जाएंगे और बैंक लूटेंगे, वो 5वां व्यक्ति अपने घर पे बैठ के वहां के उस बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास और अलार्म्स को हैक करके डिसेबल करके रखेगा उतने टाइम पीरियड के लिए। तो प्लान ये हुआ, 5 लोगों ने प्लान बनाया कि वो रॉबरी कमिट करेंगे, एक व्यक्ति घर पे रहेगा, वहां से सिस्टम हैक करेगा बैंक के, बाकी के 4, जैसे मान लीजिए ये बैंक है तो इस बैंक के बाहर गाड़ी से आएंगे, गाड़ी में एक व्यक्ति रहेगा, बाकी के 3, क्योंकि एक तो घर पे है, एक व्यक्ति किधर है, घर पे, जो घर पे बैठ के सीसीटीवी कैमरे और अलार्म वगैरह यहाँ के डिसेबल करेगा। उसने डिसेबल करा, ये 4 लोग यहाँ पहुंचे, एक बंदा गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है कि जैसे ये अंदर से पैसा वैसा लाएंगे तुरंत लेके भागूंगा, ये यहाँ प्रेजेंट है। 3 लोग अंदर जाते हैं, डराते धमकाते हैं मैनेजर को और बाकी एम्प्लॉइज को, सारा पैसा एक बैग में डालते हैं, बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं 4 और यहां से भाग जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्संस एडिंग दिस रॉबरी वो तो 5 है, एडिंग दी रॉबरी वो तो 5 है, लेकिन जो प्रेजेंट है इधर वो 4 है। सो विल इट बी डेकॉइटी और जस्ट रॉबरी, will it be dacoity or just robbery? एड तो किया है एक व्यक्ति ने लेकिन घर पे बैठ के किया है। इस सवाल को थोड़ा सा आप सोचिएगा, एक बार फिर डेकॉइटी की डेफिनेशन पढ़िएगा और उसको थोड़ा केयरफुली, जैसे मैंने आपको रॉबरी करके बताया कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, ब्रेक किया उसके एसेंशियल्स को, थेफ्ट के साथ हमने वो काम किया था कल के लेक्चर में, फिर हमने व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी में वो काम किया। अब इट इज अप टू यू, आपको वो काम डेकॉइटी की डेफिनेशन के साथ करना है एंड यू विल कम अप विद द आंसर कि वेदर इट इज डेकॉइटी और नॉट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।